बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, जुर्म से लड़ने को तुम सेह जिगर पैदा करो, अगर बचाना चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान तो सुनो, घर घर में एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब पैदा करो। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि तुम्हारा दल होना चाहिए, जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, और जिसका बल नहीं होता उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं होता। हमने उन लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने हमारे गले को काटने का काम किया। हम फुटबॉल की तरह हैं। एक प्लेयर इधर से लात मारता है तो दूसरे की तरफ चले जाते हैं, और दूसरा लात मारता है तो तीसरे की तरफ चला जाते हैं। हम अपनी ताकत कब बनाएंगे? जिस देश के अंदर मूंछों के नाम पर मार दिया जाता हो, जिस देश में बारात नहीं चढ़ने दी जाती हो, जिस देश में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता हो, जिस देश में यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर रितु को निकाल दिया जाता हो, पढ़े लिखे लोगों के साथ शोषण होता हो, वहां पर कैसे हम कह सकते हैं कि इस देश में न्याय होता होगा? अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राजनीतिक नहीं करते तो हम लोगों को संविधान नहीं दे पाते, और संविधान नहीं होता तो मेरे जैसे वकील खड़े नहीं हो पाते। इसलिए राजनीति करनी जरूरी है। कब तक आप दूसरों के चक्कर में रहेंगे? कब तक आप भीख मांगते रहेंगे कि न्याय दे दीजिए, न्याय दे दीजिए, न्याय दे दीजिए? हमको मार दिया, आपको कोई न्याय देने वाला नहीं है, आपको कोई सम्मान देने वाला नहीं है, आपको कोई नेता बनाने वाला नहीं है, आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। ये अत्याचार कौन करता है? ये पूरा समाज आपके साथ है, पूरा समाज आपके साथ है, और बहुजन समाज पार्टी तो आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर रात दिन काम करेगी। आप सिर्फ बताएं क्या करना है, अगर धरना भी उसके वहां करना पड़ेगा, हम लोग सबसे आगे रहेंगे। यहां पर एक जलजला लेकर आए हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने निश्चित किया है कि डॉक्टर रितु सिंह की लड़ाई केवल डॉक्टर रितु सिंह की लड़ाई नहीं है, वो बहुजन समाज की लड़ाई है, और हम उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। और ये जो डॉक्टर रितु सिंह पर जो अत्याचार हो रहा है, मैंने कल भी जब पहले आए थे हम परसों, तो हमने पहले भी कहा था कि ये अत्याचार पहली बार नहीं हो रहा है, ये अत्याचार का सिलसिला बहुत लंबा है। इस अत्याचार का जो सिलसिला है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय भी था, वो मांडवा काशीराम साहब के समय भी था, ज्योतिबा फूले के समय भी था, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस अत्याचार का इलाज करके आपको दे दिया था। भारत का संविधान बनाया, और भारत का संविधान बनाने के बाद आपको अधिकार दे दिए, और अधिकार देने के बाद आप लोग पढ़ लिख कर आईएएस बनने लगे, पीसीएस बनने लगे, जज बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, और मेरे जैसे वकील बनने लगे। मगर हमारे लोगों ने उन अधिकारों को एक प्रकार से बहुत इजी ले लिया, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मानने का काम नहीं किया। अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मानने का किसी ने काम किया तो वो माननीय काशीराम साहब है जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को माना। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि तुम्हारा दल होना चाहिए, जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, और जिसका बल नहीं होता उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं होता। कहां है आपका बल जो आपकी आवाज को उठा सके? हम संख्या में बहुत ज्यादा है, संख्या में हम बहुत ज्यादा है पूरे देश के अंदर, मगर आज भी हमारा शोषण दिल्ली के अंदर होता है, तो कहां है हमारा दल, कहां है हमारा बल? हमने उन लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने हमारे गले को काटने का काम किया। हम फुटबॉल की तरह हैं। एक प्लेयर इधर से लात मारता है तो दूसरे की तरफ चले जाते हैं, और दूसरा लात मारता है तो तीसरे की तरफ चला जाते हैं। हम अपनी ताकत कब बनाएंगे हम अपनी ताकत? जब तक आप अपनी ताकत नहीं बनाएंगे इन समस्याओं का हल नहीं होने वाला है। अगर होने वाला तो बताइए मुझे कोई रास्ता हो तो। जो धरना प्रदर्शन दूसरों के लिए करते थे आज उनके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए डॉक्टर रितु सिंह का एक ही अपराध है, क्योंकि वो बोलना जानती है, वो आंखों में आंखें डालकर सवाल करती है कि आप मेरे अधिकारों को कैसे मार सकती है, ये उनका अपराध है। क्या हम बोलना छोड़ दें? हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बंद करेंगे अपना बोलना, बोलेंगे, और जब तक बोलेंगे जब तक हम अपना न्याय नहीं ले लेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज चार चीजों पर न्याय आधारित होना चाहिए,
पहला समाज में न्याय होना चाहिए, चाहे देश के अंदर न्याय होता है हमारे खिलाफ, हमारे साथ नहीं होता है, अन्याय होता है हमारे खिलाफ। जिस देश के अंदर मूंछों के नाम पर मार दिया जाता हो, जिस देश में बारात नहीं चढ़ने दी जाती हो, जिस देश में गौरी पर नहीं चढ़ने दिया जाता हो, जिस देश में यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर रितु को निकाल दिया जाता हो, पढ़े लिखे लोगों के साथ शोषण होता हो, वहां पर कैसे हम कह सकते हैं कि इस देश में न्याय होता होगा? इस देश में न्याय नहीं होता। चाहे इस देश में समता की बात की जाती है, इस देश में समता की बात नहीं की जा सकती है। कुछ लोग भारत के संविधान को खत्म करके असमता पर आधारित समाज बनाना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं भारत के संविधान को बदलकर, आप लोगों को जानना होगा। हम लोग बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, बड़ी बड़ी आवाज उठाने का काम करते हैं, मगर हमारी समस्याओं का कोई सोल्यूशन नहीं होता, कोई हल नहीं होता है। मेरे भाइयों, अगर आपको अपने समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन देखना है, तो अभी भानु प्रताप जी कह रहे को राजनीति की बात नहीं करेंगे। भाई मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राजनीति थे, हम तो उनके वंशज हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राजनीतिक नहीं करते, तो हम लोगों को संविधान नहीं दे पाते, और संविधान नहीं होता तो मेरे जैसे वकील खड़े नहीं हो पाते। इसलिए राजनीति करनी जरूरी है। क्यों हम राजनीति से दूर भागते हैं? राजनीति से 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहते हैं, आपकी आवाज को नहीं बोल पाते हैं वो लोग। आपके संविधान को बदलने के लिए एक तुच्छा सा आदमी बोलता है, मगर उनकी आवाज नहीं निकलती है। आपकी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, मगर 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं निकलते हैं, नहीं बोलते हैं। कहां है आपके लोग जो पार्लियामेंट के अंदर बात करें आप लोगों की? आपने सहारनपुर देखा होगा, सहारनपुर के अंदर जो अत्याचार हुआ पूरा देश जानता है। वहां से एक नेता चंद्रशेखर पैदा हुए, आपने पूरे देश में देखा होगा। अगर उस चंद्रशेखर आजाद की अगर सहारनपुर की आवाज को पार्लियामेंट में उठाने का काम करता है, उसका नाम है बहन कुमारी मायावती, इस्तीफा देने का काम किया। देश में दो ही नेता हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे लिए इस्तीफा देने का काम किया था नहीं किया था बताइए। और दूसरा नेता है बहन कुमारी मायावती, जिन्हें इस्तीफा देने का काम किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप देखिए, ऐसे नेता चाहिए हमें लोग, पर हम लोग अपने नेता देखने ही नहीं जाते, अपनी ताकत देखने ही नहीं जाते। कब तक आप दूसरों के चक्कर में रहेंगे? कब तक आप भीख मांगते रहेंगे कि न्याय दे दीजिए, न्याय दे दीजिए, न्याय दे दीजिए, हमको मार दिया? आपको कोई न्याय देने वाला नहीं है, आपको कोई सम्मान देने वाला नहीं है, आपको कोई नेता बनाने वाला नहीं है, आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। ये अत्याचार कौन करता है? अभी चार्जशीट हिट कर दिया, गिरफ्तार नहीं किया। किसकी ड्यूटी थी? पुलिस वालों की ड्यूटी थी। अगर हमारा एक व्यक्ति अगर ट्वीट भी कर देता है तो गिरफ्तार करके उसका जल जला निकाल देते हैं। निकाल देते डॉक्टर रतन लाल जी का क्या करा डॉक्टर रतन लाल जी के साथ? एक ट्वीट किया, पुलिस उनको उठा कर ले गई, और उनको पीटने का भी पूरा प्रबंध कर रहा था कोर्ट के अंदर। अगर हमारे वकील नहीं होते, बहुजन समाज पार्टी अगर वकील नहीं होते, तो काम नहीं बनता। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अपनी ताकत बढ़ाइए, अपने लोगों को पहचानिए। हम सब लोग को जानते हैं, इधर डीसी कपिल जी है, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। महमूद प्राचारी है, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टर रितु सिंह है, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आदरणीय सीपी सिंह जी है, इधर है राजेंद्र भाई हमारे आगे है, जो मिनिस्टर साहब है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, समाज की आवाज को पूरे देश में उठाने का काम करते नहीं करते बताइए आप लोग? आप लोग करते ना करते? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को गांव गांव घर घर जाम गए पूरे देश में जाकर उठाने काम करते नहीं करते? मगर जब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पास प्रतिज्ञा लगी, तो ऐसी कौन सी मजबूरी इस्तीफा देना पड़ा? कैसा इस्तीफा देना पड़ा बताइए? दूसरे पार्टियों में हम लोग कितने भी बड़े बन जाए, कोई हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन? और हम भी चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन? हमें बोलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे यहां डॉक्टर रितु सिंह बैठी हुई है, आपसे हम लंबे समय से आपको जानते हैं, आपके आंदोलन को जानते हैं, आपके पूरे हम व्यक्तित्व को जानते हैं। आप लड़ाकू हैं। आप ऐसे डॉक्टरों से, ऐसी महिला से जो मानसिकता है, जो ग्रसित मानसिकता से, आप उनसे झुकने वाली नहीं है। ये पूरा समाज आपके साथ है, और बहुजन समाज पार्टी तो आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर रात दिन काम करेगी। आप सिर्फ बताएं क्या करना है, अगर धरना भी उसके वहां करना पड़ेगा, हम लोग सबसे आगे रहेंगे, हम न करने का काम करेंगे। ये हम वैसे कह के नहीं जा रहे हैं,
हम परसों वादा करके गए थे आप लोगों से, आदरणीय सीपी सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे लौटकर, हम आए हैं आज और हम डेली यहाँ आएंगे और डेली आपके लिए समर्थन करेंगे, तन मन धन से काम करेंगे। ऐसे नहीं आप पूरे दिल्ली के अंदर जल जला करेंगे। आप बड़े आंदोलन की बात करें, बड़े आंदोलन में अभी हमारे भाई ने कहा, हमारे भाई यहाँ बैठे आज चले गए, उन्होंने कहा कि हम सीवन नाली को रोकने का काम करेंगे, हम सड़क को भी रोकेंगे, हम संसद को भी रोकने का काम करेंगे, हमारे अंदर ताकत है, जिस दिन हम लोग खड़े हो जाएंगे उस दिन बात बन जाएगी साथियों, बात बन जाएगी। मैं आखिरी एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा। ए बहुजनों अपनी आओ मैं असर पैदा करो, ए बहुजनों अपनी आओ मैं असर पैदा करो, जुर्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो, अगर बचाना चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान तो सुनो, घर घर में एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब पैदा करो, माननीय काशीराम साहब पैदा करो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा साथियों।